सियासत पर दिल खोलकर हुई इस चर्चा के बाद जयंत सिन्हा ने अपने संसदीय क्षेत्र में 2 साल के कामकाज का हिसाब दिया। अपने सफर के दौरान हम जयंत सिन्हा के साथ उनके पुश्तैनी घर भी गए, जहां खेती बाड़ी से लेकर गौशाला तक सब कुछ मौजूद है। यानी देश की अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब लगाने वाले जयंत सिन्हा खुद जमीन से कितने जुड़े हैं, इसका जायजा भी हमने लिया। अब बारी है इस सफर के सबसे अहम हिस्से की, जहां जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर नेता और जनता दोनों आमने सामने होंगे। हम हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा को उनके क्षेत्र की जनता के सामने लेकर गए, जहां उनके कामकाज का रियलिटी चेक हुआ। तो दिन अब ढलने वाला है। अब तक हमने जयंत सिन्हा जी के साथ उनके चुनावी क्षेत्र का तो दौरा किया ही है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का, लेकिन अब हम हजारीबाग से नज़दीक एक छोटे से कस्बे में हैं और यहाँ पर इस एक परिवार के साथ हम मौजूद हैं। जयंत सिन्हा जी भी यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर रियलिटी चेक करने वाले हैं कि जो अच्छे दिन जिसका मोदी जी ने वादा किया था करीब 2 साल पहले, क्या वो वाकई में आए हैं। और यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे जयंत सिन्हा जी हैं, तो हम उन्हीं से इस बारे में सवाल भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है मैम? प्रतिमा प्रसाद। आपको पता है आपके पीछे कौन खड़ा है? पता है। आप मिल चुके हैं इनसे पहले भी? हाँ, मिल चुके हैं। तो अच्छे दिन आए, आपको लगता है मोदी जी के नेतृत्व में और जयंत सिन्हा जी ने आपने यहाँ से चुनकर भेजा है केंद्र में, अच्छे दिन आए हैं उनके नेतृत्व में? हाँ, आए हैं। कितना बदला है ये गांव 2 साल में? तो है, बहुत कुछ बदल गया है। क्या क्या बदला है? जैसे कि आप देखिए, सड़कें यहाँ बन गई है और बिजली भी मिली है। पहले नहीं थी बिजली? पहले थी, अब लेकिन बहुत उसकी अपेक्षा बहुत कुछ मिल गई है। पहले से सुधार हुआ है? आपको क्या लगता है? बहुत कुछ सुधार हुआ है। आप डर तो नहीं रहे? जैन जी बड़े खुले मन के हैं, उनको नहीं। अगर कोई समस्या है तो आप बता भी सकते हैं। नहीं, नहीं, कोई डर नहीं है। आप स्कूल में पढ़ती हैं? पढ़ती। बेटा बता दो, बोलो। नहीं बोलेगी। ये आपकी भविष्य की वोटर है वैसे। जैन जी, आप खुद भी, क्योंकि आप यहाँ पर इतने लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, तो जो सबसे मूलभूत सुविधा जिनका काफ़ी अभाव कुछ सालों पहले था, तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भी क्षेत्र में क्या लगती है आपको? नहीं, दीदी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम लोगों को जो मौलिक सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, इन सब का हम लोगों को बंदोबस्त करना है, ज़रूरी यही है पहले। और जब हम ये सब कर लें और काफ़ी कुछ अब गांव में ये सब आने लग गई हैं, तो फिर हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमें जोर देना है। उस पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं। आपको मालूम है कि अभी जो हमने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, जिसको हमने अभी उसका विमोचन किया, उसमें हमने कहा है कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए 300 बेड का एक आधुनिक अस्पताल और 100 सीट का एक मेडिकल कॉलेज जो है, उसकी स्थापना हम लोग जल्द से जल्द करने वाले हैं। तो अब बिजली, सड़क, पानी को जो हम लोगों को बंदोबस्त करना था, काफ़ी कुछ हो चुका है, पर अब हम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। बिल्कुल। चलिए, तो जो महिलाएँ हाउसवाइफ हैं वो तो काफ़ी खुश हैं, कुछ जो पुरुष हैं यहाँ पर उनसे बात करते हैं। आप क्या करते हैं? वो काम कई प्राइवेट ट्रैक्टर है मेरा। आपका ट्रैक्टर है, आप खेत में चलाते हैं जी। आपको क्या लगता है पिछले 2 सालों में चीज़ें कितनी बदली हैं? क्या वाकई अच्छे दिन आए हैं? अच्छे दिन आए हैं, लेकिन 50% अभी बदले हैं, 50% अभी बदलना बाकी है। तो जैन जी खुद यहाँ पर खड़े हैं, क्या बदलना चाहेंगे आप? जो 50% नहीं बदला है वो क्या है? बहुत पानी का समस्या यहाँ पर है, किसान को बहुत दिक्कत होता है पानी में खेती करने के लिए। भाई, उनसे मंत्री जी से गुजारिश है कि खेती करने के लिए पानी उपलब्ध करा है हम लोग का। और क्या समस्या है? और थोड़ा लाइन उन थोड़ा तंदुरुस्त करवाएं, बहुत बिजली कट रही है अभी 2 दिन में, और रोड वोड थोड़ा तो सब कुछ मंत्री जी ही करा लें, रोड भी बनवा लें, बिजली भी चलवा लें, पानी भी इलाज है। आपकी क्या समस्या है? हमारा समस्या है सर, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। तो गर्मी में बहुत दिक्कत है पानी का, और थोड़ा सा शिक्षा के प्रॉब्लम है कि यहाँ से कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत हो रही बच्चे को। हम लोग चाहेंगे कि कॉलेज अगर नज़दीक में खुल जाए तो बहुत बच्चियन हम लोग का जो है टेम्पू से जाना आना में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन पहले से सुधार हुआ है, अच्छे दिन आए आपको लग रहा है? कुछ तो सुधार हुआ है, ऐसा बहुत सुधार हो गया है। अब जो है बचा हुआ मंत्री जी सब कुछ सुधार ही लेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो जैन जी काफ़ी उम्मीदें हैं इन सबको आपसे, और अभी तो 2 साल हैं लेकिन 3 साल बाकी है। आप क्या इन्हें कहना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी समय के बाद इस तरह से मीडिया के सामने इस तरह से रूबरू हो रहे हैं,
अपने क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे आप सबको इस माध्यम से? नहीं नहीं, मैं तो हरदम ही जनता के साथ रूबरू करता रहता हूं और हर पंचायत में जाकर हम लोग चौपाल करते हैं, और जो आज भाई साहब जी ने कहा है बिल्कुल सही बात कही है कि पानी की बहुत समस्या है, खासकर सुखाड़ का समय आया हुआ है, आपको तो मालूम ही है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डोभा वाला जो हमारा जो कार्यक्रम है जिसमें कि हम लोग जाकर हर घर में हम लोग डोभा का निर्माण करें और साथ साथ पेयजल की व्यवस्था भी दिलवाएं टैंकर के द्वारा या जल मीनार के द्वारा, इन सब पे हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रांतिकारी रही है और जो सड़कें बनी हैं गांव में और हर गांव को हम लोगों ने शहर से जोड़ा है ग्राम सड़क योजना से, उसी तरीके से सिंचाई योजना के द्वारा हम लोग हर खेत में कोशिश करेंगे कि पानी पहुँचाए। चलिए, तो उम्मीद यही करते हैं कि ये जो कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं उनका भी जल्द से जल्द निपटारा हो। तो ये थे जयंत सिन्हा जी, जिनके साथ आज हमने एक पूरा दिन बिताया है, लेकिन अब वापस जाने का वक्त है क्योंकि हजारीबाग से इन्हें नॉर्थ ब्लॉक तक का सफर फिर से एक बार तय करना है, वहां पर भी आई एम श्योर कई काम पेंडिंग होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।